डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें आप कुछ नोटिस कर रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दिखाया गया है, ज़्यादातर चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। यहाँ पे फ़ैन है, यहाँ पे ये लाइट है, यहाँ रेफ्रिजरेटर है, यहाँ एसी है, बल्ब है, ये स्विचेज हैं। तो इस तरह की चीज़ें दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि संभव हो कि इस चैप्टर में ऐसा ही कुछ दिया हुआ होगा। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। ये क्लास 4 का इंग्लिश बुक है, चैप्टर 3 है और इस चैप्टर का नाम है हु एम आई, मैं कौन हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला गया है कि मैं कौन हूँ, तो इसके बारे में यहाँ पे चैप्टर डिटेल करेगा कि यह कौन है। तो इसको पढ़कर देख लेते हैं। आई एम हेल्पफुल टू यू इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, मैं जीवन के हर क्षेत्र में आपके लिए मददगार हूँ। यू कैन नॉट ड्रीम ऑफ लिविंग इन मॉडर्न एरा विदाउट मी, आप मेरे बिना आधुनिक युग में जीने का सपना भी नहीं देख सकते। मतलब है कि आधुनिक समय की सुख सुविधाएं आप प्राप्त नहीं कर सकते। आई लाइट योर हाउस विथ बल्ब, मैं आपके घर को बल्ब से रोशन करता हूँ। आई प्रोवाइड यू डे लाइक लाइट इवन एट नाइट, मैं आपको दिन की तरह रात में भी रोशनी प्रदान करता हूँ। आई मूव फैन एंड कूलर, मैं पंखे और कूलर चलाता हूँ। आई रन एयर कंडीशनिंग प्लांट्स, मैं एयर कंडीशनिंग प्लांट चलाता हूँ। एयर कंडीशनिंग प्लांट का अर्थ है कोल्ड स्टोरेज, जहाँ खाद्य पदार्थ जैसे कि आलू, प्याज, चावल, दाल को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है, उसे कोल्ड स्टोरेज कहते हैं। और वहाँ पे बड़े बड़े एसी चलाया जाता है, उसी को एयर कंडीशनिंग प्लांट कहते हैं। आई प्रोवाइड कूल एयर एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एक्सट्रीम हीट, मैं ठंडी हवा देता हूँ और आपको अत्यधिक गर्मी से बचाता हूँ। आई रन रेफ्रिजरेटर टू कीप योर फूड फ्रेश फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं आपके भोजन को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर चलाता हूँ। आई प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोल्ड, मैं आपको ठंड से बचाता हूँ। आई कीप योर रूम वार्म विथ रूम हीटर, मैं आपके कमरे को रूम हीटर से गर्म रखता हूँ। इन बिग सिटीज आई रन ट्रेन्स एंड ट्राम्स, मैं बड़े बड़े शहरों में ट्रेन और ट्राम चलाता हूँ। दे केरी पैसेंजर्स एंड गुड्स, वे यात्रियों और सामानों को ढोते हैं। देर वॉज ए टाइम वेन यू रोट लेटर्स, एक समय था जब आप पत्र लिखते थे। नाउ यू यूज टेलीफोन एंड मोबाइल, अब आप टेलीफोन और मोबाइल का उपयोग करते हैं। दे विल कम टू स्टैंड स्टिल विदाउट मी, वे मेरे बिना काम नहीं कर सकते। डॉक्टर प्रोवाइड यू गुड हेल्थ, डॉक्टर आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। दे यूज एक्सरे मशीन टू टेक फोटोग्राफ ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वे शरीर के आंतरिक भागों की तस्वीर लेने के लिए एक्सरे मशीन का उपयोग करते हैं। इट कैन नॉट वर्क विदाउट मी, यह भी मेरे बगैर काम नहीं कर सकता। द नंबर ऑफ पीपुल इज इंक्रीजिंग, लोगों की संख्या बढ़ रही है। देयर नीड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, उनकी जरूरतें भी बढ़ रही है। देयर डिमांड इज फुलफिल्ड बाय इंडस्ट्रीज, उनकी मांगें कल कारखानों के द्वारा पूरी की जाती है। आई एम द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इंडस्ट्रीज, मैं कल कारखानों का ऊर्जा का स्रोत हूँ। आई रन फ्लोर मिल, क्रशर एंड सो मिल्स, मैं आटा चक्की, कोल्हू और आरा मिलें चलाता हूँ। फ्लोर मिल, जिसे आटा चक्की कहा जाता है, आटा चक्की तो आप लोग जानते होंगे, जहाँ गेहूँ पीसकर आटा बनाया जाता है। और क्रशर जिसको कोल्हू कहा जाता है, कोल्हू एक ऐसा मशीन होता है जिससे बीजों को पीसकर तेल निकाला जाता है, मतलब बीजों को पेर कर तेल निकाला जाता है। और सॉ मिल्स मतलब आरा मिल, लकड़ियों वाला मिल होता है, जहाँ पे लकड़ियों की कटाई होता है, उसको आरा मिल कहते हैं। दिज मशीन्स हैव इम्प्रूव्ड द लाइफ स्टाइल ऑफ ऑल पीपुल, इन मशीनों ने सभी लोगों की जीवन शैली में काफ़ी बदलाव किया है, उसको इम्प्रूव किया है, उसमें सुधार किया है। देर इज़ ए बुक इन योर हैंड, आपके हाथ में जो बुक होता है, यू रीड इट एंड गेट नॉलेज, आप इसे पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। आई रन द प्रिंटिंग मशीन, मैं छापा मशीन चलाता हूँ। प्रिंटिंग मशीन को छापा मशीन कहा जाता है। यू आर फैमिलियर विद द रेडियो, द टेलीविज़न एंड द सिनेमा, आप रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा से भली भांति परिचित हैं। दे प्रोवाइड यू एंटरटेनमेंट, ये आपको मनोरंजन प्रदान करते हैं। आई रन ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीज़ों को मैं ही चलाता हूँ।
आई एम प्रोड्यूस्ड बाय वाटर, कोल, विंडमिल, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड सनरेज। मैं पानी, कोयला, पवन चक्की, परमाणु अभिक्रिया और सूरज की किरणों द्वारा उत्पन्न होता हूँ। आई एम नॉट प्रोड्यूस्ड एनफ इन इंडिया। मुझे भारत में पर्याप्त मात्रा में नहीं उत्पन्न किया जाता। यूज मी केयरफुली। मुझे सावधानीपूर्वक उपयोग करें। नेवर वेस्ट मी। मुझे बर्बाद न करें। स्विच ऑफ द फैन एंड बल्ब व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। जब आप कमरे से बाहर निकलते हैं उस समय पंखा और बल्ब बंद कर दें। सेव मी फॉर योर बेटर लाइफ। अपने बेहतर जीवन के लिए मुझे बचाकर उपयोग करें। आई कैन चेंज योर लाइफ। मैं आपकी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। आई एम इलेक्ट्रिसिटी। मैं बिजली हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे शुरू में इसका चैप्टर का नाम जो दिया हुआ है हु एम आई, तो इसका आंसर क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी है जो अपनी बातें इस चैप्टर में बतला। इससे हमारे जीवन में कितना लाभ है और हम इसके बगैर एक अच्छे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आगे दिया हुआ है, कुछ न्यू वर्ड्स दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लें और पढ़कर याद कर लें। इसके आगे यहाँ पे इस चैप्टर का एक्सरसाइज दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर दिस क्वेश्चंस। यहाँ पे इस चैप्टर का मेन क्वेश्चंस दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवेन वर्ड्स। तो यहाँ पे जिस प्रकार से लिखा गया है हैंडराइटिंग यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए संभवतः आप लोग इसको देखकर नहीं भर पाएंगे। इसका आंसर मैं आगे दे दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसमें भी क्या लिखा गया है पता नहीं चल रहा है, इसका भी आंसर मैं आपको आगे दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में मैच करने के लिए कहा गया है और यहाँ पे ये बना हुआ नहीं है, इसका भी आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बना हुआ नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं आगे नहीं दूंगा, आप देख लें यहाँ पे कि यहाँ पे क्या सब कुछ सही है। मैंगो, पपाया, ऑरेंज, बनाना, तो यहाँ पे सभी फ्रूट्स हैं, लेकिन ब्रिंजल जो है वो वेजिटेबल है, इसीलिए इसमें गोला लगा हुआ है, ये सही है। लीली, कॉलीफ्लावर, लोटस, मेरीगोल्ड, रोज़, ये सारे के सारे फ्लावर हैं, लेकिन कॉलीफ्लावर जो है वो वेजिटेबल में आता है, इसीलिए इसमें गोल लगा हुआ है, तो ये सही है। रेडिश, पोटैटो, टोमेटो, ग्रेप्स, टर्निप, तो यहाँ पे गलत है क्योंकि ये सारे जो है वेजिटेबल में आते हैं। रेडिश, पोटैटो, टोमेटो और टर्निप ये वेजिटेबल में आते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्रेप होना चाहिए। ये गलत टिक लगा हुआ है, यहाँ पे गलत घेरा लगा हुआ है, आप इसको लगा लेंगे, इसको सर्कल कर लेंगे ग्रेप्स को। और डी नंबर में बस, कार, ट्रेन, टैक्सी, मोबाइल, मतलब ये सभी जो है वाहन है, यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए है, लेकिन मोबाइल जो है वैसा नहीं है, तो इसमें सर्कल किया हुआ है, ये सही है। जैकेट, कैप, शर्ट, हैंड, कोट, तो यहाँ पे सही लगा हुआ है। हैंड जो है बॉडी पार्ट है, बाकी सब जितने भी हैं वो पहनने वाला चीज़ है, कपड़े हैं। और यहाँ पे एफ नंबर में हैंड, कॉक, काउ, पैरोट, डक, यहाँ पे सारा दिया हुआ है, तो सारे के सारे यहाँ बर्ड्स हैं लेकिन काउ जो है एनिमल है, तो ये सही है। मतलब यहाँ पे जो भी दिया हुआ है यहाँ सब सही है, सिर्फ और सिर्फ एक ये गलत है, इसमें आपको ये घेरा लगा लेना है, ग्रेप्स में लगा लेना। ये कंप्लीट हो गया, इसमें इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए मैं आप लोगों को इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं बनाकर आपको देता हूँ। ये है चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर। आंसर दिस क्वेश्चंस। हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी कीप द रूम वार्म? इलेक्ट्रिसिटी कीप्स द रूम वार्म विथ रूम हीटर। हैज इलेक्ट्रिसिटी चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ ऑल पीपुल? एस, इलेक्ट्रिसिटी हैज चेंज द लाइफ स्टाइल विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड? इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय वाटर, कोल, विंडमिल, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड सनरेज। वट विल हैपन द टेलीफोन एंड मोबाइल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? दे विल बी यूजलेस विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। वट डू ट्रेन्स एंड ट्राम्स डू? दे केरी पैसेंजर्स एंड गुड्स। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवेन वर्ड्स। यहाँ पर चुनकर भरने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर दिया गया है। इसका क्वेश्चन वीडियो में पहले ही दिखाया जा चुका है, आप इसको देखकर अपने बुक में भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हु एम आई, इसमें नाम पूछा गया है, तो यहाँ भी इसका आंसर डायरेक्ट दिया गया है, आप इसको देखकर अपने बुक में भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैच द वर्ड्स ऑफ टू कॉलम्स, यहाँ पे मैच करने के लिए बताया गया है, इसका भी आंसर यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है, आप इसको देखकर अपने बुक में मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे एक लेटर को हटाकर एक न्यू वर्ड बनाने के लिए कहा गया है, तो इसका भी यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिया गया है, आप इसको देखकर अपने बुक में भर सकते हैं। और यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।